उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को 12 बजे डीसी ऑफिस के फैसिलिएशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन्होंने रांची विधानसभा के लिए अपना वोट दिया। इस दौरान डीसी ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा में जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी कर्मी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिनांक 12, 13 और 16 नवंबर को होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा सक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। सभी को नमस्कार, मैं नमन प्रियेश लकड़ा, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गिरिडीह। आज मैंने जिला समाहरणालय गिरिडीह के जो फैसिलिटेशन सेंटर है पोस्टल बैलेट हेतु, वहाँ पे अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से रांची विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कास्ट किया। मैं सभी वोटरों को और सभी जो पदाधिकारी और कर्मी हैं जो कि इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र में और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या तो अपने ट्रेनिंग सेंटर में या अपने फैसिलिटेशन सेंटर में, और जो भी एसेंशियल सर्विस के जो वोटर्स हैं वो पीवीसी के सेंटर में निश्चित तौर पर उपस्थित होकर या तो ईवीएम के माध्यम से या जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। थोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।